तरह मार्केट को मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया, जैसे कि मैंने बताया था कि 525 से 540 वाला एरिया अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे बाइंग किया, इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पे आया, पहला हमारा एथेल क्या हो गया, हमने यहाँ पे बाइंग किया, जाहिर सी बात है यहाँ पे बाइंग किया हो तो एथेल हमने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड किया होगा, पहले माना होगा चलो ओपनिंग का एथेल लगा लेते हैं, या ओपनिंग का एथेल दूर है तो हम क्लोजिंग का एथेल कहीं पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे पहली बार हमने एंट्री यहाँ ली, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, तो अब मेरा एथेल जो पहले यहाँ था ना, अब मैं एथेल यहाँ पे लगा लूँगा लास्ट लो, जो भी सेकेंड लास्ट लो जो भी प्रीवियस लो रहता है ना वही मेरा एथेल होता है, यहाँ पे एथेल लगा लूँगा। अब मार्केट वापस फिर से नीचे आया, इस एथेल को हिट नहीं किया, ऊपर एथेल लगाया, अब एथेल में क्या करूँगा, इस एथेल को हटा के अब मैं यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना है तब की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ पहले प्रॉफिट लो, प्रॉफिट देखने के लिए नहीं आए हो, बनाने के लिए आए हो, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है पहले उस प्रॉफिट को लो। अब मार्केट यहाँ से वापस एक नया लो मार्केट ने लगाया, अब क्या करूँगा, इस एथेल को मैं वापस ट्रेल करके ऊपर की साइड